हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु IAS। सो टारगेट IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग इन सेशंस के अंदर करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं। वो करंट अफेयर्स जो आपके प्रीलिम्स एंड मेंस 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। हम लोग उस सारे के सारे करंट अफेयर्स को 70 डेज के अंदर कवर अप करेंगे। 70 डेज मतलब बिफोर 2021 प्रीलिम्स से पहले हमारा ये सेशन कवर अप हो जाएगा विद ईच एंड एवरी न्यूज एक्सप्लेन्ड करके। क्लियर है? अगर बात करें हम लोग ये सेशंस के अंदर मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे मोर देन वन ईयर के। अभी तक के हमने 17 लेक्चर्स को देख लिया है जिसके अंदर हमने मार्च, अप्रैल और मई के 2020 के करंट अफेयर्स को कवर अप किया। और अगर बात करें जून की तो हमारा 17th लेक्चर अभी तक के, यानी कि दो लेक्चर हमने जून 2020 के करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया है। और जो हमारा आज का लेक्चर 18th लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, वो भी हमारा जून 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस के ऊपर ही रहेगा। बस आप लोगों को एक बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहें। डेली बेसिस पे मैं आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ। 70 डेज के लिए कॉन्टिन्यूसली हम लोग लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे और कोई भी करंट अफेयर्स के रिलेटिव कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहेगी तो वो सारी की सारी इन्हीं सेशंस में आपको कवर अप कर दी जाएगी। क्लियर है? और यही सेशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो अपने बारे में। मायसेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम द करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु IAS। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज की सबसे पहली न्यूज रहेगी हमारी ग्लोबल वैक्सीन समिट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी GS पेपर 2 के लिए। ये न्यूज थोड़ी सी लंबी चलेगी और मैं बड़े आराम से करवाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रहती है। तो शुरू करें हम लोग। अगर बात करें कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीनेशन समिट, तो पूरे विश्व में ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई है और एड्रेस किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्लियर है? वर्चुअल समिट थी ये। और इस समिट में क्या हुआ, कहते द समिट वाज होस्टेड बाय, ये होस्ट किसने किया, मैं इसको पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं प्रीलिम्स। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, आप भी सोचते होंगे कि जैसा ही हमारा सेशन शुरू होता है तो प्रीलिम्स और मेंस के इंपॉर्टेंट न्यूज आनी शुरू हो जाती है। तो जी बिल्कुल, हमारे इन सेशंस के अंदर मैंने वही न्यूज़ को शुरू किया है, कवर अप कर रहा हूँ। मेरा जो मेन गोल रहेगा कि आपको प्रीलिम्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग उसको पहले फोकस करें और मेंस में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी पैरेलली हम लोग फोकस करते जाएंगे। क्लियर है? अब जैसा कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो COVID-19 के कारण प्रॉब्लम्स आ रखी हैं और उसको लेकर जो पूरा वर्ल्ड हर एक कंट्री वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस पे है, काम कर रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग में पूरे वर्ल्ड में एक समिट बैठी जिसको बोला गया ग्लोबल वर्चुअल समिट, सॉरी वैक्सीन समिट। अब ये होस्ट किया गया था यूनाइटेड किंगडम्स की तरफ से और 50 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया इंक्लूडिंग द बिजनेस लीडर्स। और 50 देशों ने तो पार्टिसिपेट किया था जिसके अंदर बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स भी आए थे, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज भी आई थी, सिविल सोसाइटी के मेंबर भी आए थे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी आ गए थे, हेड ऑफ द स्टेट्स आ गए थे एंड द कंट्री लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन द समिट। इंपॉर्टेंट रहने वाली बात है और ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि होस्ट किसने किया, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है? यहां पे बोलते हैं कि द समिट वॉज इंटेंडेड टू अर्ज नेशंस, तो ये समिट को लेकर आने का मुद्दा क्या था, सिर्फ एक ही मुद्दा था कि दूसरे नेशंस को अर्ज करना था, एक तरह का रिक्वेस्ट करना था पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, टू प्लेज फंडिंग फॉर द वैक्सीनेशंस, कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर आप लोग वैक्सीनेशंस को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैक्सिमम फंडिंग की जाए, टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम द फ्यूचर आउटब्रेक ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। ये चीज़ भी, ये कंसेप्ट क्या होगा जो आपका थर्ड पॉइंट है ना, हम लोग इसको एम बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। देखो कोई ना कोई अब न्यूज़ बनती है उसके पीछे कारण रहता है, बिल्कुल ना। अब ग्लोबल वैक्सीन जो समिट हुई उसके पीछे उसका एम क्या था, फंडिंग करवानी थी हमने,
यहाँ लिखा द समिट वॉज एम्ड एट रेजिंग 7.4 million US dollars टू इम्यूनाइज अ फ्यूचर सॉरी फर्दर 300 million चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज बाय द 2025। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां बोलते हैं कि इंडिया हैज प्लेज्ड, अब भारत ने कितना योगदान दिया, यहां भारत का है कि $15 million का एज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन एंड द इम्यूनाइजेशन। अगेन प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल दूंगा, क्योंकि अब इंडिया का क्या रोल प्ले हुआ ग्लोबल वैक्सीन समिट में वो हमने देख लिया, और किसके अंदर हुआ कॉन्ट्रीब्यूट, किसके अंदर किया भारत ने ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन एंड द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। कहते इंडिया हैज ऑल्सो मैंशन, भारत ने अब ये भी मैंशन कर दिया कि दैट इट हैज शेयर्ड इट्स स्टॉक्स ऑफ मेडिसिन विद ओवर 120 कंट्रीज। बिल्कुल ठीक है ना, तो जिसके अंदर भारत सरकार ने पैरासिटामोल की जो टैबलेट्स हैं वो भी क्या की थी, शेयर की थी ड्यूरिंग द पैंडमिक। इवन अगर मैं आज की बात करूँ, कोवा शील्ड की बात कर लूँ, कोवैक्सीन की बात कर लूँ, तो भारत उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सही है ना, क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पूना के अंदर है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम वो ट्रांसफर भी कर रहे हैं। क्लियर, हमने हालांकि जो आपने ये सेकंड पॉइंट देखा, हमने एक न्यूज पढ़ी थी आज से 4 सेशंस पहले कि भारत और मलेशिया के बीच में एक समिट सॉरी एक फ्रेंडशिप हुआ था जिसके तहत हमने एक्सपोर्ट किया था वैक्सीन को लेकर, क्लियर सॉरी मालदीव्स को, है ना, वो कंसेप्ट आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा कि मेडिसिन हो रही है 120 कंट्रीज में भारत ने भेज दी इन द वेक ऑफ पैंडमिक, ठीक है। कहते इंडिया इज द वर्ल्ड फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वैक्सीन, मैं अब ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट, यहाँ पे भारत को पूरे ग्लोब में क्या बोल दिया कि इंडिया इज द वर्ल्ड फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वैक्सीन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्यूनाइजेशन ऑफ अबाउट 60% की, भारत का कितना परसेंटेज है इम्यूनाइजेशन में पूरे दुनिया के बच्चों को लेकर, वह 60%, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग लीड करते हैं मेडिसिन के अंदर, ये चीज आप लोग ध्यान में रखें, ये आपका प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। यहां लिखा कि इंडिया हैज ऑल्सो एडेड 6 वैक्सीन, अब भारत ने 6 वैक्सीन को ऑलरेडी एड कर दिया किसके अंडर, UIP के अंडर। ये क्या चीज है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू एक्सपैंड प्रोटेक्शन ऑफ द वैक्सीन इन द कंट्री। क्लियर है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये क्या चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अब क्या चीज है, ये लॉन्च किया गया था 1985 में टू प्रिवेंट मॉर्टलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन द चिल्ड्रंस एंड द प्रेग्नेंट वुमेन। अगेन इंपॉर्टेंट, ये हमने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है ना स्टूडेंट्स, ये बच्चों को लेकर किया और प्रेग्नेंट वुमेन्स को लेकर के, ताकि हम लोग इन दोनों को मॉर्टलिटी और मॉर्बिडिटी से बचा सकें अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। अगेन मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो 1985 में लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एक चीज, क्लियर है। आगे मैं चल सकता हूं क्या, देखें एक चीज है, मैं हर एक सेशन में आप लोगों को डिस्कस करता हूं और बोलता भी हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, किसी को भी अब डाउट रहता है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं वो कमेंट्स देखकर नेक्स्ट सेशन में आपके वो डाउट्स को दूर कर सकूं। क्लियर है, चलते हैं आगे। यहां बोला कि अंडर UIP फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन हो रही हैं इज प्रोवाइडेड, अब कंसेप्ट देखें, अगर प्रोवाइड की गई है वैक्सीनेशन अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके तहत भारत ने भी योगदान दिया। नंबर वन इज योर ट्यूबरक्लोसिस, हालांकि भारत ने बोल दिया है कि इंडिया विल फ्री फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस अप टू द 2025। फिर आता है डिप्थेरिया, फिर आता है पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, हालांकि इंडिया टोटली फ्री हो चुका है पोलियो से, फिर हेपेटाइटिस बी, निमोनिया एंड
meningitis due to the Haemophilus influenza type B, ठीक है, measles, rubella, Japanese encephalitis and rotavirus diarrhea. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? आगे चल सकते हैं क्या हम लोग? ठीक है, यहां बोला कि कंट्री हैज ऑल्सो डिजिटाइज द वैक्सीन सप्लाई चेन. अब हम डिजिटाइज कर रहे हैं किसको? जो वैक्सीन हम लोग भेज रहे हैं उसकी चेन को. एंड एन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क शुरू किया गया, हैज बीन डेवलप्ड टू मॉनिटर द इंटीग्रिटी ऑफ द कोल्ड चेन. ठीक है, नेक्स्ट आया कहते कोविड 19 पैंडमिक has exposed the limitations of global corporations. अब COVID-19 ने दिखा दिया किस चीज को? वो limitations को जो हम लोग पूरे ग्लोब के अंदर corporations के अंदर करना चाहते achieve. अब हमने उस ये COVID-19 ने वो limitations बता दी और हम लोग उसको दूर भी करेंगे. And that for the first time in the recent history, the humankind faces a clear common enemy. बिल्कुल ठीक है, यहां पे लिखा बट GAVI. स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय GAVI? ये रहा, मैं आपको एक मिनट क्लियर कर देता हूं. यहां पे आपका लिखा हुआ है GA, अरे एक मिनट, यहां पे आपका GAVI, जस्ट अ मिनट, ये रहा आपका ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन्स एंड द इम्यूनाइजेशन, GAVI, जिसके अंदर भारत ने 15 मिलियन US डॉलर्स का योगदान दिया है. तो यहां पे लिखा इज नॉट जस्ट अ ग्लोबल अलायंस, बोला गया कि GAVI एक ग्लोबल अलायंस नहीं है, उससे भी बढ़कर है, बट ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी. कहते दस द होल वर्ल्ड नीड्स टू स्टैंड टुगेदर टू कम आउट ऑफ द पैंडेमिक. ठीक है, यहां पे लिखा कि देयर इज एन अर्जेंट नीड. अब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी बेसिस पे हमें नीड है फोकस करने की, किसके ऊपर? ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान 2011 से 2020 जो चलाया गया था, that is a framework to prevent million of death, ताकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा millions of death को रोक पाएं by 2020 through more equitable access to existing vaccines for the people in the communities. Clear है students? तो ये concept है आपका global vaccine summit का. आगे देखते हैं, हमारी next news रहती है अब सुंदरबन damaged in the cyclone Amphan. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए. अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, हमने आज से एक दिन पहले वाले सेशन में साइक्लोन वायु, साइक्लोन हवा का भी जिक्र किया था, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स साइक्लोन एम्फन को भी पढ़ा था, क्योंकि साइक्लोन एम्फन आपका वो है जो बे ऑफ बंगाल में आया था. हमने ये चीज देखी थी कि जो बे ऑफ बंगाल में आपके साइक्लोन आते हैं वो स्वेयर होते हैं एज कंपेयर टू साइक्लोन अकर्ड इन द अरेबियन सी. ठीक है ना, अब चलते हैं धीरे धीरे करके हर एक चीज को देखते हैं. यहां बोलते हैं The Chief Minister of West Bengal highlighted that about 28% of the Sundarban, 28% Sundarban, ये क्या चीज़ है Sundarban? मैं एक बता देता हूँ, हम लोग डाटा भी एड ऑन करेंगे, बट अभी अगर वर्बली बताऊँ तो Sundarban वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा है, जो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाते हैं, इवन मेघना नदी भी बनाती है. ये इंडिया में प्रेजेंट और बांग्लादेश में प्रेजेंट है. क्लियर है? वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि साइक्लोन एम्फन के कारण 28% सुंदरबन डैमेज हो गया है बाय द साइक्लोन एम्फन एंड लॉन्च अ ड्राइव. तो उन्होंने एक ड्राइव को लॉन्च किया फॉर प्लांटिंग द मैनग्रूव्स एंड द ट्रीज टू मार्क द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो बनाया जाता है 5th of June को हर साल. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डाटा करते हैं एड ऑन, बस आप लोग एक चीज को ध्यान में रखें. नंबर वन, मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा सुंदरबंस को. एक मिनट, अब क्या चीज है आपके सुंदरबंस? यहां पे शुरू करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सुंदरबंस? यहां पे लिखा गया ये एक फॉरेस्ट है, जंगल बोल सकते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ये फॉरेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट लिख सकते हैं आप लोग.
वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड लाइज अक्रॉस द इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन द डेल्टा ऑफ द गंगा रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड लास्ट इज योर मेघना रिवर। आप लोग ना इवन यहां पे एक चीज मेंशन कर सकते हो, सुंदरबंस एंड मैनग्रूव्स फॉरेस्ट, तो ये चीज आपके लिए क्लियर होगी यहां पे, क्लियर। अच्छा अब दूसरा अगर यहां पे डिस्कस करें, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोन एम्फन, तो ये साइक्लोन एम्फन क्या चीज है देखते हैं यहां पे, हम लोग इसको भी पढ़ते एक बार। कहते इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है फॉर्म्ड ओवर द बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना आपका, और कहते एक मिनट, इट्स नेम बाय थाईलैंड। हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है, वायु का नाम किसने दिया, हवा का नाम किसने दिया, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स माय डियर स्टूडेंट्स अरेबियन सी में बने, किसने, ओमान ने दिया, बांग्लादेश ने दिया था, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ईरान ने भी दिया था, पाकिस्तान ने भी दिया था, तो आपको अब नॉलेज है कि साइक्लोन एम्फन जो बे ऑफ बंगाल पे बना, जिसके कारण 28% आपके सुंदरबंस डिस्ट्रॉय हो गए, वो एम्फन का नाम थाईलैंड ने प्रोवाइड किया था। ठीक है, आगे चल सकता हूं मैं क्या? ओके अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो 5 जून को हर साल बनाया जाता है, एक बार उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। नंबर वन इज योर वर्ल्ड, एक मिनट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डाटा ऐड ऑन कर लेते हैं, बस आप किसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको नोट करते जाइएगा। कहते दिस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब कब देखा जाता है, 5 जून को एवरी ईयर, हर साल, ठीक है ना, ये अपना पॉइंट आ गया। क्यों? फॉर एनकरेजिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस, फॉर वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस। अगर हम लोग इसके ऊपर डाटा और लिखें, ये कब बना, कैसे बना, तो नंबर वन कहते सिंस इट्स बिगन इन 1974 से आप लोग इसको देखते आ रहे हो, उसके बाद कहते वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो 2019 में सेलिब्रेट किया गया था, बीइंग होस्टेड बाय, तो किसने होस्ट किया था, चाइना ने होस्ट कर दिया था विद थीम, तो 2019 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस कि 2019 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो चाइना ने होस्ट किया, उसका थीम क्या था, एयर पॉल्यूशन। याद रखेगा ये चीजें पूछते हैं यूपीएससी वाले, एयर पॉल्यूशन था उनका थीम और होस्ट किया गया था चाइना की तरफ से, ठीक है ना। यहां पे लिखा कि इंडिया होस्टेड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018 emphasizing on prevention of किसका, अरे एक by mistake ही चला गया, but आपको note है preventions of, हम लोग यहीं से continue कर देते हैं, preventions of plastic pollution। ध्यान रखिएगा
ये चीज को अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट रहती है ये चीजें आप लोगों के लिए। शेल वी मूव फर्दर, ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा कि जो इंडियन सुंदरबन है, जो भारत का सुंदरबन है, वो एरिया कहाँ पे है, साउथ ऑफ डैम्पियर हॉजेस लाइन, और कितना स्प्रेड हो रखा है ये 9630 स्क्वायर किलोमीटर्स में, ऑफ विच, अब ये तो होगा सुंदरबन की बात करते हैं। अब अगर बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट की, जो सुंदरबन में ही मिल जाएंगे, सुंदरबन डेल्टा में आपको देखने को मिलेंगे, वो एरिया कवर कर रहे हैं 4263 स्क्वायर किलोमीटर्स की। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आगे देखते हैं। यहां बोला कि जो मैनग्रूव्स हैं नॉट ओनली रिड्यूस विंड स्पीड, कंसेप्ट देखें, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं आती हैं जो भारत के अंदर एंट्री ले रही हैं, वो मैनग्रूव फॉरेस्ट बोला कि नॉट ओनली रिड्यूस विंड स्पीड बट ब्रेक द वेव्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। जब पानी भी आता है तब मैनग्रोव फॉरेस्ट ही है जो आपको पानी एंटर होने नहीं देते हैं, सर्जेस कॉज्ड बाय अ साइक्लोन, साइक्लोन के टाइम पे। यहां पे लिखा ट्रीज टर्न्ड येलो एंड रेड, जो मैनग्रोव के जो जंगल है वहां के जो पेड़ है वो येलो और लाल हो चुके हैं आफ्टर द साइक्लोन। क्यों? क्योंकि अब कंसेप्ट है साइक्लोन आता है, तो जिसके कारण बे ऑफ बंगाल का भी जो पानी है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर एंट्री कर लेगा। अब अगर एंट्री करता है तो हमेशा याद रखेगा कि जो आपका ओशन का पानी रहेगा, बे ऑफ बंगाल का पानी, वो सॉल्टी है, सलाइन है, ड्यू टू सैलिनिटी, एंड ट्रीज कैन ओनली सर्वाइव इफ द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल कम्स डाउन। तो यहाँ पे लिखा है कि पेड़ पौधे तभी सर्वाइव करते हैं जब पानी के अंदर खारापन कम होगा, बट यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रहता है, इफ द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल कम्स डाउन, तो इसीलिए तो ये येलो और रेड हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा, अब कंसेप्ट देखिए कि जो डैम्पियर होल्ज लाइन है ये क्या चीज है, कहते एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है 24 पर गानाज साउथ एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से। कहां पे है ये? ये है वेस्ट बंगाल में, विच इंडिकेट्स, और ये क्या दर्शाती है, ये दिखा रही है कि नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द सेंचुरी जोन्स अफेक्टेड बाय द टाइडल फ्लक्चुएशंस। क्लियर? यहां लिखा सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल हैज डायरेक्टेड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अब उन्होंने डायरेक्ट कर दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टू प्रिपेयर टू प्लांट 3.5 करोड़ मैनग्रूव्स। 3.5 करोड़ हमें मैनग्रूव प्लांट्स लगाने हैं सुंदरबन डेल्टास में जो खराब हो चुके हैं बाय द 14th of July, विच इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका, दिस इज योर सुंदरबंस, ये रहा आपका प्रोटेक्टेड एरिया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? और आप लोग कंसेप्ट देख लीजिएगा, ये रहा इंडिया, वेस्ट बंगाल, और ये रहा बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे सुंदरबंस, जो हमें बोला जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा मेड बाय द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड द मेघना रिवर। क्लियर है? और इन्हीं के बीच में आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर यहां पे मैं बोल दूं व्हाई वी कॉल दीज डेल्टास एज द सुंदरबंस, क्योंकि यहां पे आपको एक ट्री देखने को मिलेगा पर्टिकुलर स्पीशी का जिसका नाम है सुंदरी ट्री। ये सुंदरी ट्री क्या रहती है, क्योंकि इसकी जो हमेशा रूट्स रहती है ना वो ऊपर को उठी हुई है, इस तरीके से आपको इसकी रूट्स ऊपर को उठी हुई देखने को मिल जाएंगी, तो जिसको हमने बोल दिया सुंदरी ट्री। और इन्हीं ट्रीज के कारण, इन्हीं स्पीशीज के कारण हमने यहाँ का नाम क्या रखा, सुंदरबन डेल्टा। स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? और देखते हैं आगे। यहां पर लिखा है सुंदरबन के लिए कि कहते हैं इट इज वास्ट कॉन्टिजुअस मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये काफी वास्ट हैं और कॉन्टिन्यूस रहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं इकोसिस्टम। कहाँ पे? कोस्टल रीजन, समुद्र के तट पे लगते हैं, ऑफ बे ऑफ बंगाल, स्प्रेड ओवर इंडिया एंड द बांग्लादेश, ऑन द डेल्टाज ऑफ गंगाज, ब्रह्मपुत्रा एंड द मेघना रिवर। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये हालांकि है तो कंसेप्ट बेसिक बट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, याद रखें इस चीज को। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स, अब ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कि 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया। कंसेप्ट देख ले, अगर भारत में मैं बोलता हूं मेरे पास 100 ट्रीज मिल रहे हैं मैनग्रोव टाइप के, तो उनमें से 60 मैनग्रोव ट्रीज हमें कहां मिल जाएंगे, सुंदरबन में, क्योंकि यहां पे लिखा है ना कि 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया कहां पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, सुंदरबन डेल्टा में।
वो डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर ने दोनों ने मिलकर बनाया, एरिया लाइड बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश। क्लियर, आगे देखते हैं। यहां लिखा इंडिया सुंदरबंस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए, इवन मेंस पर्सपेक्टिव से भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो भारत का सुंदरबन है वो रिकॉग्नाइज किया गया यूनेस्को's वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और कब किया गया था 1987 में। इवन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी हमें डिक्लेयर किया अंडर द रामसर कन्वेंशन इन जनवरी 2019, और इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया 1989 में। आप कंसेप्ट देखें स्टूडेंट्स, यहां पे एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए आप लोगों को, तो एक चीज पे फोकस करें। यूनेस्को ने 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया, फिर रामसर कन्वेंशन ने इनको डिक्लेयर कर दिया वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, फिर 2019 में डिक्लेयर किया था। अब अगर बात करें 1989 में सुंदरबन डेल्टास को बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया। क्लियर, यहां पे एक चीज पढ़ने वाली है कि व्हाट डू यू मीन बाय रामसर कन्वेंशन। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय रामसर कन्वेंशन, लीजिए हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डाटा ऐड ऑन कर लेते हैं। कहते इट वॉज साइंड इन 1971 इन द कहां पे, इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर, इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर एंड इज one of the oldest intergovernmental accord for preserving। अब कंसेप्ट देखिए आप लोग, 1971 में साइन किया गया था कहां पे, ईरान की सिटी रामसर में, और ये ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है, और किसको प्रिजर्व करना है, टू प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स। अब इसको और भी क्या बोलते हैं, कहते इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। कंसेप्ट याद रखें, हमने इसको और भी क्या बोल दिया, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, और ये 1971 में साइन किया गया था ईरान की सिटी रामसर में, और सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है ये, क्यों, ताकि हम लोग बचा सके इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स को। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स यहां पे, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जितना भी डाटा यहां पे ऐड ऑन करवाया जाता है ना, आप लोग इसको या तो यहां पे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पिक्चर ले सकते हो, या फिर अगर ऐड ऑन कर रहे हो, लिख रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि डाटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे आपका बेस और स्ट्रांग हो जाता है स्टूडेंट्स। चले आगे, और आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है। अब आगे आता है, कहते द एरिया इज नोन फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ फौना। सुंदरबन एक तो और भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फौना मिलता है, कहते इंक्लूडिंग 260 बर्ड स्पीशीज, बिल्कुल ठीक है। एंड अब ये घर किसका है, मेनी रेयर एंड ग्लोबली थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का, जिसमें से सच एज स्टुरिनाइन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स, गिंजेटेड डॉल्फिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, गिंजेटेड डॉल्फिन एंड ऑलिव रिडी टर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने न्यूज भी सुनी होगी, रिसेंटली आई थी कि ऑलिव रिडी टर्टल्स की स्मगलिंग भी हो रही है, जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छे स्टेप्स उठाए थे इसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए। यहाँ पे लिखते हैं कि सुंदरबन डेल्टा इज द ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय द टाइगर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी चीज आपके लिए दोनों के दोनों पॉइंट्स प्रिलिम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक तो स्पीशीज देखने को मिल गई कि कौन कौन सी स्पीशीज, और वो स्पीशीज क्या वल्नरेबल है क्या नहीं, क्लियर है।
चलें आगे। अब अगर यहाँ पे बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय मैंग्रोव्स, हमने अभी देखा ना कि सुंदरबन डेल्टा है उसके अंदर हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल गए। अब मैंग्रोव्स क्या चीज है, कंसेप्ट है, कहते मैंग्रोव्स आर द प्लांट्स कम्युनिटीज। अब ये एक ऐसी पौधों की कम्युनिटी है जो अकर करती है इंटर टाइडल जोन्स में अलोंग द कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। वहां पे एक तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिलेगी और एक सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिल जाएगी। याद रखिएगा, कहने का मतलब है ये इक्वेटर से लेकर आर्कटिक सर्कल और इक्वेटर से लेकर एंटार्कटिक सर्कल के वो कंट्रीज में आपको देखने की मिलेगी जहां पे कोस्टल लाइंस आपको देखने को मिल रही है, मतलब समुद्र के तट पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा है कि ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां बोलते हैं कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट परफॉर्म मल्टीपल इकोलॉजिकल फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन ऑफ वुडी ट्रीज, बहुत ठीक है, प्रोविजन ऑफ हैबिटेट्स, फूड, स्पॉनिंग ग्राउंड्स फॉर द फिन फिशेस एंड शेलफिश, प्रोविजन ऑफ हैबिटेट फॉर द बर्ड्स एंड द वैल्यूएबल फौना, प्रोटेक्शन ऑफ द कोस्ट लाइंस एंड एक्रीशंस ऑफ द सेडिमेंट्स टू फॉर्म द न्यू लैंड, क्लियर। या बोलते हैं अब among the states and the union territories West Bengal has the highest percentage of area under the total mangrove covered followed by the Gujarat, Andaman and Nicobar Island। अब यहां पे भी मैं इसको लिख दूंगा prelims perspective से important है डाटा मेरे लिए। students क्यों important डाटा आ गया यहां पे, क्योंकि भारत में सबसे पहले mangrove forest एरिया वाइज कहां पे मिलते हैं, नंबर वन इज और वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत में है तो वो कहां पे देखने को मिले, गुजरात में देखने को मिले, तीसरे स्थान पे हमें कहां पे देखने को मिले, अंडमान है निकोबार आइलैंड में देखने को मिल गई। अब यहां पे हम लोग इसको और भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, इंडिया के अकॉर्डिंग 60% मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें सिर्फ वेस्ट बंगाल में देखने को मिले और बाकी के गुजरात और अंडमान निकोबार आइलैंड में हमें 40% मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो आप लोग खुद ही सोच लें कि सुंदरबन डेल्टास में मैंग्रोव फॉरेस्ट ने कितना ज्यादा एरिया कवर कर रखा है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये तीनों के तीनों कोस्टल एरियाज हैं, क्लियर है, क्योंकि हमने यहां पे पढ़ा ही है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली, क्लियर है स्टूडेंट्स। यहां तक आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये न्यूज क्या चीज है इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं और ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी जीएस पेपर 3 के लिए एंड जीएस पेपर 2 के लिए, क्लियर है स्टूडेंट्स। पढ़ते हैं, यहां पे लिखा कि इंडिया सिक्योर्ड, अब भारत ने 168th रैंक सिक्योर किया किसके अंदर, 12th एडिशन ऑफ एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, ईपीआई 12वीं एडिशन के अंदर भारत ने 168th रैंक हासिल किया है 2020 में। कहते अब इससे पहले जब 2018 में ये इंडेक्स लॉन्च किया गया था तब भारत का रैंक था 177th। हालांकि इसका मतलब है कि इंडिया ने पहले से बेटर एक क्या क्या परफॉर्म किया है। तो यहां पे देखिए सबसे टॉप पे कौन है, डेनमार्क है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये प्रिलिम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पूछ सकते हैं कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रैंक के वाइज लगाएं, नंबर वन इज और डेनमार्क, फिर आपका यूके 4th रैंक पे आ रहा है, हम फेमस कंट्रीज की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया 13th नंबर पे है, यूएसए आपका 24th रैंक पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया 13th रैंक पे आ गया, यूके 4th रैंक पे है, और अगर बात करें रशिया की 58, चाइना 120 और भारत आपका 168th रैंक पे आया है इन द ईपीआई ऑफ 12th एडिशन। ये है क्या, कहते ईपीआई इंडेक्स 2020 मेजर करता है एनवायरमेंट के परफॉर्मेंस को, कि एक कंट्री के अंदर कितना अच्छा हमने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, स्कीम्स को लॉन्च किया, उसके ऊपर कितना काम किया, ये सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं 120-80 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। यहां पे लिखा कि द इंडेक्स कंसीडर्ड 32 इंडिकेटर्स, अब इसके अंदर 32 इंडिकेटर्स है, मतलब 32 पैरामीटर्स है, अब उसके अंदर एक चेकलिस्ट लगा दी कि 32 पैरामीटर्स के अंदर भारत कौन कौन से पैरामीटर्स को कवर कर पाया बहुत अच्छे तरीके से, ऑफ एनवायरमेंट परफॉर्मेंस एंड इंक्लूड 10 ईयर ट्रेंड
और ये 32 इंडिकेटर्स के अलावा भी 10 साल का ट्रेंड जोड़ा गया एनवायरमेंट के परफॉर्मेंस को लेकर नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे। यहाँ पे लिखा कि डेनमार्क ने टॉप किया है जिसकी स्कोरिंग आई है 82.5 आउट ऑफ 100, तभी तो उन्होंने नंबर वन रैंक हासिल किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां पे देखते हैं कि भारत की परफॉर्मेंस क्या है, ये हमारे लिए सारे का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखिए, नंबर वन यहां पे लिखा कि इंडिया का स्कोर है 27.600 में से इन द 2020 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एंड अगर इट्स परफॉर्मेंस वॉज वर्स देन ऑल साउथ एशियन कंट्रीज। कंसेप्ट देख लें भारत की, अगर मैं एशिया में साउथ एशिया कंट्रीज की बात कर लूं तो हम लोग सबसे ज्यादा वर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है अफगानिस्तान। ये हमारे लिए ड्रॉबैक है। यहाँ पे लिखा कि इंडिया स्कोर्ड बिलो द रीजनल एवरेज स्कोर ऑन ऑल द फाइव की पैरामीटर ऑफ द एनवायरमेंट हेल्थ इंक्लूडिंग। वो पांच इंडिकेटर्स कौन से जिसमें भारत ने बहुत ही, मतलब ये लगा लो, वर्स परफॉर्म किया। नंबर वन एयर क्वालिटी, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर। हालांकि ड्रिंकिंग वाटर पे तो एक न्यूज भी बनी थी कि भारत के अंदर ड्रिंकिंग वाटर को लेकर क्या होता है कि हम लोग इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर 21% जो डिजीज होता है वो ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेंट के कारण ही होता है, तो वो ड्रिंकिंग वाटर भी इसके अंदर लगा दिया गया। हैवी मेटल्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये कंसेप्ट आप देख लीजिए। ये पांच ऐसे पैरामीटर थे जिसमें भारत ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया अपना, इसीलिए तो हम लोग 168th रैंक पे हैं। ठीक, ये बोला पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, दीज फाइंडिंग्स रेजोनेटेड विद द कंसर्न रेज बाय द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 इन द फिगर्स। ये क्या चीज है, एक मिनट दीजिए मुझे। कहते पब्लिश किया जाता है सेंटर फॉर द साइंस एंड द एनवायरमेंट के लिए। क्लियर, अब यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। यहां पे इसको हम लोग फोकस करते हैं, ये सारे के सारे को, इस चीज को हम लोग यहां पे देख लेते हैं। ये क्या चीज है, कहते एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट वॉज published by the Center for Science and Environment। ये चीज आप लोग ध्यान में रखो, State of India's Environment 2020 एक रिपोर्ट है जो सेंटर के द्वारा ये हमेशा पब्लिश की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट। यहां पे लिखा कि It has also scored below the regional average। Concept देखें एक मिनट, यहां पे लिखा है कि भारत ने स्कोर किया बिलो रीजनल एवरेज पैरामीटर से रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम सर्विसेज टू। इंडिया वॉज एट सेकेंड पोजिशन आफ्टर द पाकिस्तान ऑन द क्लाइमेट चेंज अमंग द साउथ एशिया कंट्रीज। हालांकि भारत पाकिस्तान से दूसरे नंबर पर आता है क्लाइमेट चेंज को लेकर अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज में। यहाँ पे लिखा अ 10 ईयर कंपैरिजन, 10 साल का अगर कंपैरिजन किया जाए प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो ईपीआई ने बताया शॉर्ट, तो वो क्या दिखाता है कि इंडिया स्लिप्ड ऑन द क्लाइमेट रिलेटेड पैरामीटर्स। कि भारत 10 साल का अगर डाटा निकाला जाए भारत का, तो भारत अब क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। पहले से भी हम लोग ज्यादा वर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हमें इस चीज को और भी ज्यादा फोकस करना होगा, हमें अपनी परफॉर्मेंसेस को बेटर करना होगा ताकि हम लोग एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर अपना जो रैंक है वो टॉप पर लेकर आ सके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ डाटा है यहाँ पे, हालांकि ये डाटा मेरे पास पुराना है। यहाँ पे टॉप फाइव कंट्रीज जो 2018 में थी, नंबर वन था आपका, फर्स्ट था स्विट्जरलैंड, हालांकि 16th रैंक आया था, फ्रांस का 10th था, डेनमार्क का उस टाइम पे 4th रैंक था। याद रखें 2018 में डेनमार्क ने 4th रैंक हासिल किया और 2020 में डेनमार्क ने 1st रैंक हासिल कर लिया था। क्लियर, और भारत ने 177th रैंक हासिल किया था इंडिया ने। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। और अगर बात करें रैंकिंग ऑफ द अदर बिग कंट्रीज 2018 के अकॉर्डिंग, तो यूएसए ने 27th रैंक हासिल किया 2018 में और 2016 में 26th रैंक था। रशिया का 52nd रैंक था 2018 में और 2016 में 32nd रैंक था।
चाइना का 120th रैंक 2018 में और 109th रैंक था 2016 में। तो आप खुद देख लें, ये जो काफी बड़ी कंट्रीज हैं इनका भी जो परफॉर्मेंस है डे बाय डे पुअर हो रहा है। क्लियर है? यहां पे लिखा कि एयर क्वालिटी, ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिसपे हम लोग ये रैंक निकालते हैं। यहां पे लिखते हैं कि एयर क्वालिटी रहती है एक, तो वाटर सैनिटाइजेशन होता हैवी मेटल्स होते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है, फॉरेस्ट होते हैं, फिशरीज होती हैं, क्लाइमेट एंड एनर्जी रहता है जिसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ब्लैक कार्बन एमिशन को मेजर किया जाता है, एयर पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है जिसके अंदर, वाटर रिसोर्सेज जिसके अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट देखा जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर देखा जाता है। तो ये सारे के सारे आपके पैरामीटर्स रहते हैं। यहां लिखा कि हाई रैंक शोज लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट। अब जितना ज्यादा आपका टॉप पे रैंक आएगा वो कमिटमेंट शो करता है कि हमने प्रोटेक्ट किया पब्लिक हेल्थ को लेकर, प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेस, डीकपलिंग द ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब CO2 की बात की यहां पे, एमिशन फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक आगे बढ़े हम लोग। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या चीज? कहते EPI इज अ बैनुअल इंडेक्स जो प्रिपेयर किया जाता है बाय द येले यूनिवर्सिटी एंड द कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों के कोलैबोरेशंस के रूप में विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन में EPI इंडेक्स को तैयार करती हैं, वो है एक येले यूनिवर्सिटी एंड द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? कहते इट इज अ स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन। एस्टैब्लिश कब किया गया था? कहते एस्टैब्लिश्ड इन 1971, बेस्ड इन जेनेवा। कहां पे देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड में। स्टूडेंट्स पहला डाउट, पहला पॉइंट क्लियर है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार बोल रहा हूं ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन ये ऑफर क्या करते हैं, स्कोर कार्ड That highlight क्या दिखाता है, leaders and the laggards in the environmental performance and provide practical guidance for the countries that aspire to move toward a sustainable future। ठीक है, यहां पर लिखा कि ये index सबसे पहले 2002 में बना था, designed to supplement the environment targets set forth in the United Nations Millennium Development Goals। क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, किसी भी स्टूडेंट को अब भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं आप लोग। ओके, शैल वी मूव फॉर द स्टूडेंट्स? हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे। यहां पे लिखा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2009 पे, जो बेसिस पे है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी GS पेपर 2 के लिए। क्लियर है? यहां पे लिखा कहते द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज रिलीज्ड, तब यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी एक रिपोर्ट को रिलीज किया है एनुअली, किसके आधार पे? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2019। अब ये सर्वे हुआ था हर एक स्टेट में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड, कि आपको कितनी आजादी है कोई भी धर्म अपनाने में, उसको प्रैक्टिस करने में। क्लियर? ये बोलते हैं, कहते इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसको बोलते हैं USCIRF रिपोर्ट है, डाउनग्रेडेड इंडियाज रिलीजियस फ्रीडम टू द लोएस्ट ग्रेड। तो इनके अकॉर्डिंग भारत रिलीजियस फ्रीडम में सबसे लोएस्ट ग्रेड दिया गया इन द कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC कैटेगरी। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट्स USCIRF? पढ़ते हैं इसको भी। What do you mean by, एक मिनट यहां पे है USCIRF और इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये है क्या चीज? कहते इट इज एन इंडिपेंडेंट बाय पार्टिसन US फेडरल गवर्नमेंट
कमीशन। डेडिकेट किया गया, डेडिकेटेड टू डिफेंडिंग द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ अबाउट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। एक इंडिपेंडेंट क्या है, बायपार्टिशन यूएस फेडरल गवर्नमेंट की कमीशन है जो डेडिकेट किया गया फ्रीडम के ऊपर कि कोई भी धर्म को आप लोग अपना सकते हो पूरे यूनिवर्स के अंदर एंड बिलीफ अबाउट। क्लियर है ये चीज आप लोगों के लिए? सर ये था एक डेफिनेशन सिंपल। हम आगे देखते हैं, यहां पे लिखा द IRF रिपोर्ट लिस्टेड द कंट्रीज फॉर द पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि पॉजिटिव डेवलपमेंट लेकर आना है रिलीजियस फ्रीडम के अंदर एंड नेगेटिव एग्जांपल्स कौन कौन से रहेंगे, निकारागुआ नाइजीरिया एंड चाइना वर सिटेड एज ए नेगेटिव एग्जांपल्स। मतलब क्या है, यहां पे रिलीजियस फ्रीडम इतना नहीं है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज ऑफ द ग्लोब, है ना, तभी तो नेगेटिव में आ रहे हैं ये लोग। ये रिपोर्ट किसने बनाई, IRF ने। IRF मतलब इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने, ठीक है। यहां पे लिखा इट स्टेट्स दैट चाइना के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड रिप्रेशंस अगेंस्ट ऑल द रिलीजन कॉन्टिन्यू टू इंटेंसिफाई बिकॉज ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया इज नॉट सिटेड इन आइदर लिस्ट। याद रखें भारत इन दोनों की लिस्ट में आया ही नहीं, हमने नेगेटिव तो रोल प्ले कभी किया ही नहीं है। क्लियर है ना? अब ये रहा आपके लिए कुछ ग्राफ है, यहां पे दिखा है जो डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा कहां कहां पे हो रही है। आप खुद देख सकते हैं यहां पे यूरोप में हो रही है क्या, बिल्कुल है, कुछ कुछ है, और उसके बाद कहां कहां पे कौन कौन से कंट्रीज हैं आप खुद देख सकते हैं। इवन साउथ अमेरिका कुछ कंट्रीज आ रहे हैं, इवन यूरोप के कुछ कंट्रीज आ रहे हैं, एशिया के कई कंट्रीज आ रहे हैं यहां पे। क्लियर है ना? मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज आ रहे हैं और प्रोसिक्यूशंस में भारत भी आ रहे हैं यहां पे। क्लियर? तो एक यहां पे ओवरव्यू दिया गया यहां पे ये डायग्राम के अंदर, ये मैप के अंदर आपको। अब रिपोर्ट है भारत की, द कंट्री रिपोर्ट फॉर द इंडिया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये बोलते हैं कि इट हाईलाइट द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन 2019 में जो डेवलपमेंट हुआ उसको हाईलाइट किया गया। मतलब द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो इनके तहत भी हमारा कुछ इम्पैक्ट पड़ा था एनआरसी के कारण, CAA के कारण, और जो जम्मू एंड कश्मीर में जो रिसेंटली हुआ। क्लियर है? यहां पे लिखा कि इट डिस्कस्ड इन डिटेल्स अबाउट द मॉब लिंचिंग, एंटी कन्वर्जन लॉज, काओ विजिलेंटिज्म एंड रिलेटेड इश्यूज। ये सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखें। इवन यहां पे लिखा टेकिंग नोट ऑफ ऑल द एलिज्ड अटैक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, किसके अगेंस्ट, रिलीजियस धर्म के अगेंस्ट किया, एथनिक माइनॉरिटीज के अगेंस्ट किया भारत के अंदर, कि द रिपोर्ट एम्फेसाइज द नीड टू एंश्योर फुल प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटीज इन द कंट्री एज गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां बोलते हैं भारत सरकार ने रिजेक्ट किया है ऐसी रिपोर्ट्स को बाय असर्टिंग दैट देयर इज नो लोकस स्टैंडी फॉर अ फॉरेन गवर्नमेंट टू कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ इट्स सिटीजंस कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स। हालांकि भारत ने बोल दिया है कि किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी सिटीजंस ऑफ इंडिया हैं तो उनका जो आता है ना कंसेप्ट की रिलीजियस फ्रीडम, वो हमने अपने कानून के अंदर भी लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट के अंदर भी है, राइट टू फ्रीडम। और वो कौन कौन से हैं हम लोग पढ़ते हैं आगे, ये रहे भारत के कानून में जो लिस्टेड है, कहते फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया। तो वो कौन कौन से कानून है जो भारत ने बनाए हैं, यहां पे नंबर वन कहते फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ठीक है ना, जो हमने गारंटेड किए आर्टिकल 25 से 28 में। अगर ये किसी का भी वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ना, ठीक है। एनफोर्समेंट अगर आप लोगों का फंडामेंटल राइट होता है, ये तो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। यहां पे लिखा आर्टिकल 25 के तहत क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस कर सकते हो।
प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 26 के अंदर क्या है, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 के अंदर क्या है, फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यहाँ पे कंसेप्ट है कि कोई भी आप लोग धर्म का पर्टिकुलर रीजन का आप लोग प्रमोशन कर सकते हैं और फ्री ऑफ टैक्स रहेगा वो कंसेप्ट। तो हाउ कुड यू से दैट कि भारत का जो रिपोर्ट आया, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2019 के तहत आया, उसमें भारत काफी लो है। बट भारत तो बोलता है मैंने अपने संविधान में हर एक को परमिशन दी है कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करे, अडॉप्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 28 में लिखा है कि फ्रीडम एज अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन द सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लिखा फर्दर आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो हमने माइनॉरिटीज को भी अपने संविधान के अंदर उनको भी अधिकार दे रखा है, फंडामेंटल राइट है ये स्टूडेंट्स। चले आगे, हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है जीएसटी काउंसिल मीटिंग। और ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी जीएस पेपर 3 के लिए। शुरू करें, यहां बोला कहते द 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड हुई है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के आधार पे। अब ये क्या चीज है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल? कहते गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किसके अंडर आती है? अंडर द आर्टिकल 279A। याद रखें, यहां पे लिखा इन द फर्स्ट टू मंथ्स ऑफ द करंट फिस्कल ईयर, पहले दो मंथ में फिस्कल ईयर 2020-21 में the cumulative GST revenue of the states and the center की जो GST से जो पैसा इकट्ठा हुआ राज्यों का और states center का has been only 45% of the monthly target। वो सिर्फ 45% हुआ एक महीने का। कहते as revenue, अब जो revenue है गिरा किसका? center का और state का, क्योंकि आपको पता ही है lockdown के कारण गिर गया था। the GST council has decided, तो GST Council ने decide किया to hold a single point agenda। तो GST Council ने decide कर ले क्यों ना अब लोग, हम लोग एक चीज पे hold करें single point agenda पे, जिसके ऊपर meeting भी हुई थी July 2020 में, while which discuss market borrowing by the council itself as one of the way। तो यही एक रास्ता है to raise money and compensate states for the GST revenue losses। हमने पिछले न्यूज में यह भी पढ़ा था कि भारत के अंदर कई राज्यों ने फिस्कल डेफिसिट को और भी परसेंटेज को थोड़ा सा छूट देने की मांग की थी। हमें पता है कि 3% था, तो केरला तमिलनाडु जैसे राज्यों ने बोल दिया 5% तक इवन हमें छूट दी जाए फिस्कल डेफिसिट के अंदर। क्लियर है ना? पढ़ते हैं और आगे न्यूज को। यहां बोला कहते थे जीएसटी एक्ट 2017 ये गारंटी करता है स्टेट्स को दैट अगर कोई भी लॉस होता है रेवेन्यू के अंदर इन द फर्स्ट फाइव ईयर 2017-2022 तक ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन विल बी कंपेंसेटेड। तो वो भुगतान जो एक राज्य सरकार को होगा पहले पांच साल के अंदर, वो भुगतान कंपेंसेट किया जाएगा थ्रू अ सेस दैट एक्यूर्स टू कंपेंसेशन फंड्स। तो हम लोग सेस लगाकर भी उस भुगतान को पूरा करेंगे और वो बोला गया कंपेंसेशन फंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। यहां बोला 8th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस हुआ दैट इन केस द अमाउंट इन जीएसटी कंपेंसेशन फंड फेल, अगर इसमें भी कंपेंसेशन फंड में भी अगर पैसा गिरता है सॉरी शॉर्ट ऑफ द compensation payable, the council shall decide the mode of raising additional resources including borrowing from the market। ये students prelims और mains दोनों के लिए आपका ये slide बहुत important रहेगा। आपको target पता लग गया, आपको कौन सी meeting हुई थी, 40th meeting हुई थी। इवन हमें यह भी पता लगा सेकेंड लास्ट पॉइंट में कि 2017 के कानून में लिखा था कि अगर पहले पांच साल में कोई भी भारत के राज्य का अगर रेवेन्यू गिर जाएगा तो हम लोग कंपेंसेशन फंड में से वो भुगतान पूरा करेंगे जिसको सेस बोल रहे हैं आप लोग। क्लियर है?
चलें आगे, अगर सेस में भी पैसा गिर जाता है तो हमें रेज करना होगा एडिशनल रिसोर्सेज को, इंक्लूडिंग हमें मार्केट से भी पैसा उठाना होगा, ऐसा बोला गया था। आगे बढ़ते हैं, कहते देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट, अब एक क्वेश्चन उठा किसके ऊपर, लीगलिटी ऑफ द जीएसटी काउंसिल टू बोरो फॉर इंस्टांस, कैन इट बी अकॉर्ड सोवरेन स्टेटस लाइक सेंटर एंड स्टेट, एक क्वेश्चन अराइज किया गया था। हालांकि ये है आपकी 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी चेयर्ड बाय द ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, जो हुई थी 12 जून को 2020 न्यू दिल्ली में। ये चीज आप लोग याद रखें, ठीक है। यहां पे लिखा द बर्डन एंड द इंपैक्ट ऑफ द मार्केट बोरोइंग ऑन द एफआरबीएम एक्ट, ये क्या चीज है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 इज नॉट क्लियर, अभी तक का नहीं है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट्स, एक मिनट हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एफ आर बी एम एक्ट 2003, सॉरी इसको देखते हैं थोड़ा सा, डाटा एड ऑन कर लीजिएगा बस आप लोग। कहते इट वॉज एनेक्टेड इन 2003 अगस्त में हुआ था। दूसरा इट्स का एम क्या है, कहते इट्स एम वॉज टू मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी फॉर एंश्योरिंग, किस चीज को लेकर, किस चीज को लेकर एंश्योर करना है, एंश्योरिंग इंटर गवर्नमेंटल इक्विटी इन फिस्कल मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक सप्लाई, सॉरी एक मिनट, इट्स स्टेबिलिटी। So this is your FRBM Act 2003. Clear it? यहां तक clear है, कोई doubt तो नहीं है students? आगे बढ़ सकते हैं? Okay. यहां पे लिखा the GST Council also provide compliances related relief. वो किनको? जो छोटे taxpayers हैं, जिनकी turnover 5 करोड़ तक रहेगी। कहते ये करने से reduce हो जाएगा interest by half on delayed filling of the GST return for the February, March, April 2020 to 9% providing returns are filled by the September 2020. ये चीज आपको यहां पे क्लियर है students? फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब यहां पे जीएसटी काउंसिल का लिख दिया है, कहते हैं जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो आर्टिकल रहता है किसके अंडर बनी, आर्टिकल 279A के तहत। इट मेक्स रिकमेंडेशन, तो ये रिकमेंडेशन करती है यूनियन को और भारत के राज्यों को, उनकी सरकारों को, और कौन से इश्यूज पे, रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 101st अमेंडमेंट एक्ट, और ये चेयर्ड हमेशा किया जाता है बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी किन्होंने किया था, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने। यहां पे दूसरा पॉइंट है, कहते इट इज कंसीडर्ड एज अ फेडरल बॉडी, एक फेडरल बॉडी है जहां पे सेंटर और स्टेट गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशंस। यहां पे लिखा इकोनॉमिक सर्वे जो 17 से 18 का आया था आल्सो हेल्ड द जीएसटी काउंसिल फॉर इट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टेक्नोलॉजी, अब विच ब्रिंग्स टुगेदर। अब यहां पे क्या हुआ कि दोनों सेंटर और स्टेट एंड कैन अप्लाई टू मेनी अदर पॉलिसी रिफॉर्म्स, क्लियर। ये बेसिक्स है, एक बेसिक डेफिनेशन आपका कि जीएसटी काउंसिल क्या चीज है आपके लिए। आगे कहते अब हर एक डिसीजन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे काउंसिल है शेल बी टेकन एट मीटिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन थर्ड फोर्थ ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड द वोटिंग। कितना वोटिंग है, 3/4। याद रखें ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज का सेशन में यहीं तक रोकता हूं, किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा स्टूडेंट्स।
ठीक है। और मैं आशा करूंगा आपको ये वाला सेशन भी काफी बढ़िया लगा होगा, तो प्लीज इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग इसी तरीके से अपने आगे के सेशंस को भी कंटिन्यू करते जाएंगे। थैंक यू।